हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं फॉर क्लास 12th के लिए और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस। इससे पहले की वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं लिक्विडिटी रेशियोज एंड हम स्टार्ट कर चुके हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर अभी तक जो हमने किया है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो के हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम एक टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि आपको रेशियो ऑलरेडी दिया जाता है एंड उस रेशियो में आपको तीन चार सिचुएशंस दी रहती है और ये बताया जाता है, पूछा जाता है कि इस सिचुएशन की वजह से रेशियो इंप्रूव करेगा, डिक्लाइन करेगा या रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए तो लेट अस स्टार्टेड। मैं आपके साथ कर रही हूँ अपना स्क्रीन शेयर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिखाऊंगी। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्लास में, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अभी जो है ये टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इम्पैक्ट ऑन डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ सर्टेन सिचुएशंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है इज द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी इज 0.5:1। ओके, द फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, जैसे कि हमने करंट रेशियो में भी किया था, जब भी आपको कोई रेशियो दिया जाए कि 0.5:1 है, ओके, या फिर जो भी है 2:1 या व्हाटएवर अमाउंट इज बीइंग गिवन टू यू, तो आपको क्या करना है, पहली स्टेप आपकी ये होनी चाहिए कि आपको एक अमाउंट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब ये 0.5:1 है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, आई कैन टेक इट एज 50,000 / 1,00,000। तो आपका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 0.5:1। सबसे पहली स्टेप मेरी ये होनी चाहिए कि मुझे कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेना चाहिए। इट कैन बी 5 lakh / 10 lakh ऑल्सो, 5,000 / 10,000 ऑल्सो, एनी अमाउंट आप अज्यूम कर लीजिए जो इस रेशियो को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ पे 0.5:1 आपका आंसर आना चाहिए, दैट्स इट। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डिफरेंट सिचुएशन दी हुई है, कितनी कुल मिलाकर चार सिचुएशन दी गई है और ये पूछा गया है कि इनकी वजह से क्या होगा रेशियो में, क्या डिक्रीज होगा, क्या रेशियो में डिक्रीज होगा या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेथड इसका वही रहने वाला है जो कि हमने किया था जब करंट रेशियो, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ अपनी नोटबुक शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रही हूँ अजम्पशन, ये मेरा क्या है, ये ऑल मेरा सब वर्किंग नोट है, ठीक है, याद रखिए ये वर्किंग नोट है। और ये एक्चुअली ना वर्किंग नोट भी नहीं है, ये तो क्या है, ये आपका रफ वर्क है। ये रफ वर्क जो है आप कहीं दिखाएंगे नहीं, आपका जो फाइनल आंसर है वो तो यही होने वाला है कि आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है रेशियो, डिक्लाइन हो रही है रेशियो या रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो 50,000/1,00,000 रुपीज है, जहां पे ये 50,000 का मतलब होता है डेट और इसका मतलब है इक्विटी। याद रखो मैंने जो शॉर्टकट बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, 2 से पहले जो लिखा हुआ है दिस इज योर न्यूमरेटर और 2 के बाद जो भी लिखा हुआ है दैट इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, दैट्स इट। चलिए अब क्वेश्चन को आप यहां से एक काम करिए, वीडियो को 2 मिनट के लिए आप पॉज करेंगे और आप क्वेश्चन को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, कौन सी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 है मैम, ये आपकी TS ग्रेवाल सर की बुक है। ये जो मैं बुक यूज कर रही हूँ ISC की है एंड जैसा मैंने पहले भी बोला हुआ है CBSE की भी ऑलमोस्ट सेम ही बुक है। हाल इधर उधर थोड़े बहुत फिगर्स में चेंजेस किए गए हैं और क्वेश्चन नंबर्स में चेंज है, अदरवाइज पूरा का पूरा एक जैसा है। आप किसी दूसरे बोर्ड को भी बिलोंग करते हैं ISC या CBSE छोड़ के भी, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन। TS ग्रेवाल सर की बुक सालों से चल रही है, जब हम पढ़ते थे उस जमाने से ये बुक चल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि ये बुक कितनी वेल डिजाइंड बुक है, कितनी वेल थॉट बुक है और कितनी अच्छी बुक होगी कि इतने सालों तक चल रही है। चलिए
अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को बार बार नहीं दिखाऊंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए अब मैं चल रही हूँ अपनी नोटबुक पे और यहाँ पर लिखा गया है कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ। भाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर होने की वजह से डेट में चेंज आएगा कि इक्विटी में चेंज आएगा, पहले तो आपको ये सोचना है। तो ऑब्वियसली डेट में चेंज आएगा, इक्विटी में चेंज नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, वो हमें क्या करना है, इसको तो 50,000 ही ले लेना है। इक्विटी शेयर आपने इश्यू किए, आप कोई भी एक नंबर, एक फिगर अज्यूम कर लो, लेट से 10,000 की इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, तो वो ये कितना हो गया, ये हो गया 1,10,000। अब जब मैं कैलकुलेटर उठाऊंगी, अगर कैलकुलेटर अलाउड है आपको तो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, अदरवाइज आप बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, जब हम इसे यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है 0.5:1। अब जब ये 0.5:1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो रेशियो है वो ड्रॉप हो गया, 0.5 नहीं सॉरी 0.45:1 आ गया। पता नहीं मेरा ये राइटिंग पैड का कनेक्टिविटी अचानक से चली गई है, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ कॉर्ड के थ्रू, सो दैट यहाँ पे हमारी राइटिंग में कोई इंटरप्शन नहीं आए। इसको भी मुझसे कुछ परेशानी है क्या, जिस समय मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है उसी समय ये मेरा राइटिंग पैड जो है मुझे ट्रबल कर रहा है। तो राइटिंग पैड भाई साहब, आपका ट्रबल जो है हम दूर करने की कोशिश करते हैं, आप जो हमें ट्रबल दे रहे हैं। ये देखिए अब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। ओके, इट इज टेकिंग लिटल टाइम। ओके नाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड। चलिए अभी कनेक्ट हो गया है और मेरा जो आंसर है, मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर आ गया है 0.45:1। तो 0.45:1 मेरा आंसर आ गया, मतलब जो मेरा रेशियो पहले था उससे मेरा रेशियो अब डिक्लाइन कर चुका है, क्योंकि मेरा पहले का रेशियो कितना था, पहले का रेशियो था 0.5:1। अब मेरा रेशियो क्या हो गया है, अब मेरा रेशियो हो गया 0.45:1। तो रेशियो ने क्या कर लिया भाई, रेशियो डिक्लाइन या डिक्रीज हो चुका है। और अगर इसका रीजन पूछा जाए तो आप क्या रीजन बोलेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब कि इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो चुका है, इसीलिए आपका जो रेशियो है वो डिक्लाइन हो गया है। अब चलते हैं सिचुएशन 2 की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, आपको अपने स्क्रीनशॉट से देखना है। सिचुएशन 2 में बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब जरा ये सोचो कि कैश क्या है और डेटर्स क्या है, दो चीजों के बारे में आपको सोचना है कि व्हाट इज कैश एंड व्हाट इज डेटर्स। तो मैंने अपने दिमाग पर जोर देना शुरू किया और सोचा क्या है क्या है क्या है, तो मुझे याद आया अरे कैश तो मेरा करंट असेट होता है। फिर मैंने थोड़ा और सोचा तो मुझे पता चला कि अरे डेटर्स भी तो करंट असेट्स ही होता है। यस, तो दोनों के दोनों करंट असेट्स निकले। अब मैं ये सोचूंगी कि मेरा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट का मतलब क्या यहाँ पर हो, लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट है, क्या है? डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, या जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो क्या वहां पर कोई किसी तरह की एसेट आती है? नहीं, वहां पर भी किसी तरह की एसेट नहीं आती है, वहां पर आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका मतलब सीए का कहीं भी कोई काम नहीं है, यहाँ पे करंट असेट्स का कहीं भी कोई काम नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगी इन दिस केस कि अगर मैंने कैश रिसीव किया डेटर से तो मेरी करंट असेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मेरी डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो माई आंसर शुड बी नो चेंज और रेशियो विल नॉट ऑल्टर, ऐसा आप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट असेट्स का कोई भी काम नहीं है। देखिए कितना आसान है इसको करना। इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 बोलता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कच्चे हैं तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे। अगर आपने बैलेंस शीट का चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर करने के लिए बैठेंगे, आप पहले अपना शेयर्स बोलने वाली थी मैं, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है, आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब देखिए, जब जिस भी साल में डिबेंचर्स के रिडम्पशन की डेट आ गई होती है, उतना पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स क्या बन जाता है, उतना पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटी बन जाता है, करंट मेचोरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ये। तो इसको हम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ करंट नॉन करंट लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं, मतलब कि अब नॉन
नॉन करंट लाइबिलिटी रहा ही नहीं, ये तो क्या बन गया, करंट लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि इसका रिडम्पशन तो इसी साल में होना है। तो अब क्या इसका कोई इम्पैक्ट डेट पे पड़ने वाला है? नहीं, हमारे रेशियो में डेट का मतलब क्या है? हमारे रेशियो में डेट का मतलब है ओनली नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी का तो कोई काम ही नहीं, और पेमेंट कैसे करोगे, कैश लेके पेमेंट करोगे? तो क्या कैश का पेमेंट करने की वजह से कोई फर्क पड़ेगा? उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट्स भी नहीं आती है। तो ना तो इस रेशियो में करंट एसेट का कोई इंपैक्ट है, ना ही करंट लाइबिलिटीज का कोई इंपैक्ट है। इसीलिए यहाँ पर भी आंसर जो है वो क्या होने वाला है, सेम एज अबव, नो चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो सकती है? यहाँ पर मिस्टेक तब हो सकती है जब किसी बच्चे को यही नहीं पता हो कि जो डिबेंचर ड्यू हो जाते हैं रिडम्पशन के लिए वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाते हैं, और वो क्या करे, उसे डेट में से जाके माइनस कर दे। अगर आपने डेट में से माइनस कर दिया तो आपका आंसर नो चेंज नहीं आएगा। चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए इसे करके बता देती हूँ। लेट से मैं 5,000 रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करूँ, मैं इसे यहाँ से माइनस कर लेती और मेरा डिनोमिनेटर जो ओरिजिनल था सेम ही रहने देती, तो अब मेरा रेशियो क्या हो जाता, 45,000 / 1,00,000, मतलब 0.45:1 आ जाता, और मैं लिख के आ गई होती रेशियो डिक्लाइन और मेरा मार्क्स भी कट गया होता, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर अच्छे से अपना चैप्टर पढ़ा नहीं है, कौन सा वाला, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तो मैं यहाँ पे मिस्टेक कर सकती हूँ, उसकी पूरी पूरी चांसेस हैं। तो आपको वो चैप्टर ना पढ़ने की गलती नहीं करनी, उसे आप बहुत अच्छे से कर लें। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 इस क्वेश्चन का, जो बोलता है परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आप सोचो कि परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट की वजह से क्या क्या होगा। एक तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं, या जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे, बट ये दोनों क्या है? अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूँ तो क्रेडिटर्स मेरे करंट लाइबिलिटीज है, अगर मैं इन्वेंट्रीज की बात करूँ तो इन्वेंट्री मेरी करंट एसेट्स है। ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही मेरे पार्ट ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो है ही नहीं। डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर तो सिर्फ डेट मतलब कि नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह जिसको बोलते हैं, एंड नॉन लॉन्ग टर्म प्रोविजन आते हैं, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, उसमें भी कहीं पर भी इन्वेंट्री वगैरह नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो मेरा आंसर है वो वही है जो पहले दो का था, नो चेंज नो चेंज। ओके, तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन है, मिनटों में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था बहुत अच्छी लिंकिंग ऑफ बैलेंस शीट चैप्टर। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर जो है उसे बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो आप यहाँ पर कई जगह पर क्या कर सकते थे, मिस्टेक कर सकते थे, और आपका ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्या हो गया होता, गड़बड़ हो गया था। और आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, कल यानी कि 25 जुलाई को आपके बोर्ड ने, कौन से बोर्ड ने, मैं यहाँ पे उन बच्चों से मुखातिब हूं जो कि ISC बोर्ड को बिलोंग करते हैं, आपके बोर्ड ने CISC ने आपका अकाउंट्स का स्पेसिमेन पेपर जो कि बहुत दिनों से जिसका इंतजार किया जा रहा था उसे भी रिलीज कर दिया। इसके पहले कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का स्पेसिमन पेपर आ चुका है, अब आपका कौन सा स्पेसिमन पेपर आ गया, अकाउंट्स का भी स्पेसिमन पेपर आ गया है। एंड बच्चों बिलीव मी, बहुत मेजर चेंजेस आए हैं अकाउंट्स के स्पेसिमन पेपर में। एग्जाम का जो पैटर्न है पूरी तरह से उलट पुलट गया है। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं जहाँ पे मैंने कॉमर्स का स्पेसिमन पेपर एंड इकोनॉमिक्स का स्पेसिमन पेपर डिस्कस किया है तो उसे जाके देख लीजिए। एंड टूडे इटसेल्फ मतलब कि आज 26 जुलाई को मैं अकाउंट्स के स्पेसिमेन पेपर का डिस्कशन करके इसका वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ शाम को 6 बजे। तो आप उस वीडियो को भी विदाउट फेल देख लीजिए, क्योंकि और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अब आपके लिए जानना कि अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। और जैसा कि मैंने पहले भी किया है, इसमें मैं आपके साथ ना सिर्फ ये डिस्कस करूंगी कि एग्जाम का नया पैटर्न क्या है, बल्कि ये भी डिस्कस करने वाली हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। अगर अभी तक भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है तो डू नॉट वरी, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि अब आगे क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर रहे हैं।
इसके तुरंत बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो की लेक्चर आपके पास लेकर आने वाली हूँ, जिसमें कि हम सॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो देखेंगे। चलिए तो हम मिलेंगे फिर से, तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो रेगुलरली हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसा काम मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।